और इस तरह दिन की शुरुआत देवा एकेडमी से। Try and make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. All the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Stop. For the record. मेहरबान कदरदान साहबान, फिर आते हैं वीडियो के असल मुद्दे में। तो फिर चलिए 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 शुरू करते हैं। भक भोसड़ी भक। देवा अकेडमी से आने के बाद हम गए लियारी लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि हमारे अपने यूनिक बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में होने जा रहा था, जो कि 2 दिन का इवेंट था। मुझे किताबों से कोई खास लगाव नहीं है कि मेरा इस इवेंट में कोई इंटरेस्ट होता। मेरा इस इवेंट में इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि प्रोमो वगैरह में दिखा रहे थे कि यूनस खान आएंगे, तो आपको तो पता है यूनस खान का कितना बड़ा फैन हूँ मैं बचपन से। फिर एक दिन पहले ही पता चला कि यूनस खान नहीं आ रहे, तो इंटरेस्ट ख़त्म होते होते मेरे फ़ोन में एक पोस्ट नज़र आया मुझे, जिसमें मूरू, जुनेद अकरम, मुबीन, बेकार वाइंस वाले और साथ में शहजाद बिरोही, जो कि अपने ही भाई हैं, ये सब एक पैनल गेस्ट के तौर पर आ रहे थे। तो बस इसी वजह से मैं गया कि कैसे भी करके इनसे मिलना है, ज़रूरी है। और हाँ, उस दिन मुझे फूड पॉइजनिंग भी हुआ था, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी ना कि कुछ भी करके मुझे इवेंट में जाना ही था। अब एक ज़रूरी बात इंग्लिश के बारे में, जैसे कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में कहो तो ज़्यादा अजीब नहीं लगता। जैसे कि मैं ये बीमारियों के नाम अगर इंग्लिश में लूँ, जैसे मैंने कहा कि उस दिन मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो किसी को ज़्यादा अजीब नहीं लगेगा। अगर अब मैं यही बात उर्दू में कहूँ कि मेरा पेट ख़राब था, मुझे जुलाब था, तो कितना अजीब लगता है, लोग पेंडू समझते हैं। लेकिन उर्दू में वर्ड ही यही है, तो और क्या यूज़ करेंगे। पैनल का इंतज़ार करते करते आखिर वो वक्त आ गया कि हमने पैनल अटेंड किया, और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला उनसे। पैनल ख़त्म होने के बाद जो पीछे लगे ना कि भाई सेल्फी तो लेनी है कुछ भी करके, अब एक बात बताता हूँ मैं। जब मैं डांस किया करता था एक टाइम पे अपने क्रू के साथ, तो बहुत सारे शोज़ किए हमने, बहुत सारे कॉन्सर्ट में हम ऑफिशियल डांसर थे, वो काफ़ी बड़े नाम थे, सिंगर्स, एक्टर्स, इन काफ़ी लोगों से मिला हुआ। जोया विकाजी के अलावा किसी के साथ भी एक भी तस्वीर नहीं है मेरी। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे उनके साथ तस्वीर खिंचवाने में, और जोया विकाजी के साथ इसलिए तस्वीरें क्योंकि उनके कॉन्सर्ट में हम ऑफिशियल डांसर थे, तो एक ग्रुप फोटो है उसमें मैं हूँ, उसके अलावा किसी भी सेलिब्रिटी के साथ एक भी पिक्चर नहीं है। मेन वजह ही यही है इंटरेस्ट, कि इन यूट्यूबर्स से मैं इतना इंस्पायर था कि कुछ भी करके इनसे तस्वीर लेनी थी। हालांकि इतने सारे सेलिब्रिटीज से मिल चुका था, तब भी इतना इंटरेस्ट फील नहीं हुआ जितना इनके सामने बैठ के, कि इनके पीछे लगना था कि तस्वीर लेनी है इनके साथ कुछ भी करके। खैर, आगे तो आप खुद देख लें कि किस तरह मिला हमें। मिला नहीं, खैर बस इस तरह मोबाइल करके एक वीडियो बना ली, एक तस्वीर भी ले ली स्क्रीन शॉट करके। और हाँ, दूसरे दिन भी इवेंट के हम गए थे वहाँ पर Day 2, और आज होंगे सारे परफॉर्मेंस। और आज मुझे अजगर भी यहाँ पर मिला है काफ़ी टाइम बाद,
और आज होंगे दो परफॉर्मेंस जिसके वजह से आज आने का मकसद है मेरा, साउंड्स ऑफ कुलाची और लियारी अंडरग्राउंड। और दूसरे दिन साउंड्स ऑफ कुलाची ने एंड में आके एंड कर दिया। मैं कहता हूँ उस्ताद खत्म, वाकई भी साउंड्स ऑफ कुलाची। छोटा सा वीडियो खत्म, इसी तरह मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में। लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब दबा दो और उसके साथ बेल आइकन भी। और सब मिलके बोलो यही चीज मेरे अजीज़।